दिवाली का टाइम है, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स। और मार्केट खुल गए हैं, फटाकों की दुकान देखी, फूलों की दुकान, मिठाइयों की दुकान, सब खुल चुका है। लेकिन दिवाली ऐसा त्यौहार है कि एंड टाइम तक, दिवाली के दिन तक लोगों के घर में लाइटिंग लगती रहती है। जैसे कि हमारा घर लाइटिंग लगा रहे हैं, अभी हो चुकी है मेन लाइटिंग सारी हो चुकी है, लेकिन एक छोटी सी लाइटिंग है जो लगानी बाकी थी, वो फटाफट ख़त्म करते हैं। आकाश दिया में अभी तक दिया नहीं लगा है, तो ये बल्ब भी लगाना है तो ये भी काम बाकी है। इस बार दिवाली में हमारे साथ थानु भी है। ये तो हाँ बराबर, तो इस बार दिवाली में ठालू भी है हमारे साथ। और अभी फिलहाल हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता का लुत्फ उठा रहे हैं। अभी बने हैं स्पेशल पोहे, पोहे खाते हैं फिर आगे का कार्यक्रम दिखाते हैं। भाई एक बात अच्छी है, इस बार दिवाली में लोग फटाके बहुत कम जला रहे हैं, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इतू सा तो बनता है यार, मतलब थोड़ा सा तो करना ही चाहिए ना। मतलब फटाके जलाओ, मतलब आजकल वो बड़े बड़े फटाके जलाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन वो जो हवा में उड़ने वाले फटाके होते हैं उनका फैसिनेशन तो बचपन से ही रहा है। पहले महंगे होने की वजह से खरीद नहीं पाते थे, अभी थोड़े ही खरीदे हैं, ज़्यादा नहीं खरीदे। बट हाँ, धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है फटाकों को, हमेशा से ही दिखाते आए हैं तो धूप दिखाते हैं बस अभी फटाकों को। और क्या, तो रंगोली जो है तैयार हो गई, अंधेरा भी बहुत हो रहा है, मल्टी कलर्ड रंगोली बनाई है इस बार हमने। और अगर आपको स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा होगा तो ये है मोर का पंख। ज़्यादा मेहनत नहीं लगी सच बताऊँ तो इसको बनाने के लिए, जितनी भी रंगोलियाँ आज तक बनाई हैं मैंने और माले मिल गए, उतना मेहनत नहीं लगा इसको बनाने में। भाई रंगोली बनाने का पड़ाव तो हो गया ख़त्म, अब शुरुआत करते हैं पड़ाव नंबर तीसरे की। पड़ाव नंबर तीसरा क्या, फटाके। अब हम फटाके फोड़ने की तैयारी करेंगे। तो देख रहे हो पीछे चेयर वेयर लग गए हैं, ट्राईपॉड वाईपॉड बिछ गया है और अभी शुरुआत होगी पड़ाव नंबर तीसरे की।
पर होता है। चौथा पड़ाव जो कि है काली पूजा। काली पूजा हम बंगालीज का दिवाली में बड़े जोर शोरों से मनाया जाता है। जैसे दुर्गा पूजा मनाया जाता है वैसे ही काली पूजा मनाया जाता है। बट जैसे दुर्गा पूजा 10 दिन या आखिरी के 4 दिन बड़े मजे से मनाया जाता है, वैसे काली पूजा एक रात के लिए होता है। सो अभी हम लोग कालीबाड़ी जाएंगे, कालीबाड़ी यानी काली मंदिर का, और चौथा पड़ाव होगा काली पूजा के ऊपर। हम पहुंच गए हैं अभी मात्री मंदिर, यहाँ पर हमको काली देवी के दर्शन। मात्री मंदिर में हमेशा ही इतनी भीड़ होती है, उसका कारण यही है कि नागपुर में धनतोली में काली मंदिर जो है काफ़ी पुराना है, इसकी वजह से सारे बंगालीज यहीं पर आकर के जमा होते हैं दिवाली के दिन। आई होप आप लोगों को वहाँ के दर्शन करके अच्छा लगा होगा। ये जो काली पूजा हो रहा है ये मेरा स्कूल है, मैंने अपना 11th और 12th इस स्कूल से किया है। तो यहाँ पर दुर्गा पूजा भी होता है, काली पूजा भी होता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे मैंने अपना 11th 12th और अपने दोस्तों के साथ किया है। फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक। यार खाना तो कहीं मिला नहीं, शायद दिवाली के दिन लोग रेस्टोरेंट्स या हर तरह के बिजनेसेस को बंद रखते हैं और ये शायद हमने रियलाइज़ नहीं किया। सो एनीवेज घर पहुंच गए हैं, अभी हम अपना फेमस, जब कुछ नहीं समझ में आता तो बंगालीज खाते हैं आलू शिद्दो भात, और हम लोग वही खाने वाले। सो एंड करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर। आई होप आप लोगों को ये दिवाली व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, डू हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, एंड करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर। तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड द लव।